हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.1 ऑलरेडी अपलोड है मेरे चैनल पर और 5.2 का हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएबिलिटी। चैप्टर का नाम क्या है? कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कॉन्टिन्यूटी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, डिफरेंशिएबिलिटी अब हम स्टार्ट करेंगे। आपको मैं याद दिला दूं कि डिफरेंशिएशन का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 11th में आ जाता है, चैप्टर 13 लिमिट एंड डिफरेंशिएबिलिटी से। ठीक है, तो अभी आज हम इसकी इंट्रोडक्शन लेंगे और एक दो इसके एग्जांपल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। डिफरेंशिएबिलिटी या डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस जिसमें हम डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं, जिस प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं वो प्रोसेस हमारा डिफरेंशिएशन कहलाता है। तो मान लीजिए कि वाई कोई हमारा रियल वैल्यूड फंक्शन है एक्स का। ठीक है भाई, वाई एक्स का फंक्शन है, मींस वाई टोटली एक्स पर डिपेंड कर रहा है। भाई फॉर एग्जांपल अगर मैं वाई को ले लेती हूँ एक्स प्लस 5, तो जैसे जैसे एक्स की वैल्यूज में चेंज आएगा कॉरस्पोंडिंगली वाई की वैल्यू में भी तो चेंज आएगा। भाई एक्स 0 है तो वाई ने 5 हो जाना है, लेकिन एक्स अगर 0.1 है तो वाई ने 5.1 हो जाना है। एक्स की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 5 + 2 = 7, भाई यहाँ 2 रखोगे 2 + 5 = 7 आ जाएगा। लेकिन अगर x को मैं 2.4 ध्यान देना है 2.01 रखती हूँ तो y की वैल्यू 7.01 आ जाएगी। मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, जैसे हम x की वैल्यू को चेंज करते हैं तो y की वैल्यू में भी कोई ना कोई चेंज जरूर आएगा। x बढ़ रहा है y बढ़ रहा है या x बढ़ रहा है y घट रहा है, उस चीज़ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम केवल चेंज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो x में बहुत माइनर सा चेंज आया x प्लस h, वेयर h इज ए वेरी स्मॉल नंबर ग्रेटर देन 0। ध्यान देना मेरी बात पर, h इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा सा चेंज है लेकिन 0 से बड़ा चेंज है। भाई 0 का मतलब तो चेंज आ ही नहीं रहा ना वैल्यू में, 2.01 भी बहुत बड़ा हो गया है, 2.00001 कर दूं। भाई x की वैल्यू पहले 2 थी, उसको मैंने चेंज करके ये कर दिया 0001, तो यहाँ पर आपका h कितना हो गया 0001, ये h हो गया। ये बात को आपने समझना है कि अगर हम x की वैल्यू को स्लाइटली चेंज करते हैं, जहाँ ये हमारा एक बहुत स्मॉल नंबर है और ग्रेटर देन 0 है, तो y की वैल्यू में भी कॉरस्पोंडिंगली कोई ना कोई चेंज आएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो देखो, हम याद करो कि अगर आपने क्लास 11th में अच्छे से डिफरेंशिएशन को पढ़ा है तो h को मैं बाद में लेके आती हूँ, h के कॉन्सेप्ट को। हम जब वहाँ चेंज करते थे तो हम वहाँ x प्लस डेल्टा x यूज़ किया करते थे। x की वैल्यू चेंज होकर x प्लस डेल्टा x हो गई है, तो y की वैल्यू चेंज होकर y प्लस डेल्टा y हो जाएगी, तो फंक्शन की वैल्यू भी चेंज, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y प्लस डेल्टा y, और यहाँ x के प्लेस पर वैल्यू आ जाएगी x प्लस डेल्टा x। भाई ये कुछ ऐसा ही हो गया, सुनना मेरी बात को ध्यान से, कि y 7 था कितने पर, 2 पर, ये वाली वैल्यू ध्यान दे लो, और y 7.01 था कब, जब f की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2.01 है। वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x। अगर x में डेल्टा x चेंज आ रहा है तो y में डेल्टा y चेंज आ रहा है, y में भी कुछ ना कुछ चेंज तो आएगा ना। दोनों को माइनस कर लो, लेफ्ट में से लेफ्ट वाला माइनस किया y प्लस डेल्टा y माइनस y, राइट में से राइट वाला माइनस किया f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स, वाई से y कैंसिल हो जाता है, यहाँ आता है डेल्टा y और ये वैल्यू आ जाती है f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स। ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग से बेस से बता रही हूँ मैं, दोनों तरफ डेल्टा x से मैं डिवाइड कर दूँ यहाँ पर, और इस एक्सप्रेशन की अगर मैं लिमिट ले लूँ, क्या लिमिट, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। डेल्टा एक्स क्या है, चेंज इन द वैल्यू ऑफ एक्स, और एक्स की वैल्यू में होने वाला ये चेंज धीरे धीरे 0 की तरफ जा रहा है, बहुत कम होता जा रहा है। इन दैट केस
अगर ये वाली लिमिट एग्जिस्ट करती है, अगर एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट करने का मतलब होता है लिमिट शुड बी रियल एंड फाइनाइट है, तो अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो ये जो लिमिटिंग वैल्यू हमें मिलती है दैट इज कॉल्ड डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अभी मैं और अच्छे से इसको बताने जा रही हूँ, पहले आप इसको समझो। और इस एक्सप्रेशन का मतलब भी यही है, लेकिन इसे हम लिख देते हैं एफ डैश एक्स। ये हमने क्लास 11th में पढ़ा था, इसे बोला जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएशन का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के कारण वाई में जो चेंज आ रहा है उस चेंज के रेट को मेजर करना, ये सारा प्रोसेस वाई की डिफरेंशिएशन कहलाता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये जो लाइन मैंने यहां लिखी है रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हमारी डिफरेंशिएशन को डिनोट करता है कि भाई अभी मैंने आपको समझा दिया कि x में चेंज होने के साथ साथ y में भी चेंज आ रहा है, लेकिन उसके y के चेंज होने की स्पीड क्या है, y के चेंज होने की। भाई ग्राफिकली मान लो कोई भी ग्राफ आप यहाँ ले लो, तो ये तो वैल्यू हो गई x के ऊपर y की, और x के बिल्कुल पास में ही ये ले लो x प्लस डेल्टा x या x प्लस h भी लूंगी अभी मैं इसको। तो यहां पर ये तो वैल्यू हो गई एफ एक्स, ठीक है ना, ये जो वैल्यू आएगी फंक्शन की एक्स पर वैल्यू आएगी वो एफ एक्स आएगी, और एक्स प्लस डेल्टा एक्स पर जो फंक्शन की वैल्यू आएगी बेटा वो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स आएगी, और इन दोनों का डिफरेंस और डिवाइडेड बाय ये कब कि ये बहुत क्या होता जा रहा है, नियर टू जीरो होता जा रहा है, यानी कि ये डिफरेंस धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो ये वैल्यू इधर आती जा रही है, तो जो वाई में जो चेंज आ रहा है उसको मेजर करना दैट इज कॉल्ड डेरिवेबिलिटी डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन एफ कह लो वाई कह लो। एक तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना आपने, वाई और एफ दोनों एक ही बात है, एफ ऑफ एक्स हम लिख देते हैं क्योंकि पॉलिनोमियल आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, कोई फंक्शन एक्स पे डिपेंड कर रहा है तो एफ एक्स है, टी पे डिपेंड कर रहा है तो उसको एफ टी लिख देते हो, और वह यू पे डिपेंड कर रहा है तो एफ यू जी यू कुछ भी लिख सकते हो, ये एक रिप्रेजेंटेशन है, और उस पूरे को हमने एक सिंगल नाम वाई यहाँ पर दे दिया है, तो वाई और एफ एक्स में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, बोथ आर सेम, ठीक है। अब इसकी डिफरेंशिएशन से क्या मतलब है कि y टोटली x पर डिपेंड कर रहा है, x में चेंज आने से y में चेंज आएगा, तो उस y का जो चेंज का जो रेट है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, x की वजह से y में कितना चेंज आ रहा है। अगर हम अपनी डेली लाइफ की कोई दो कमोडिटी ले लेते हैं, मान लीजिए कि गोल्ड का प्राइस ले ले, गोल्ड का प्राइस तो x हो गया और गोल्ड की जो डिमांड है वो y हो गई, तो जैसे जैसे आपका प्राइस चेंज होगा वैसे वैसे डिमांड पर इफेक्ट जरूर पड़ता है। प्राइस बढ़ेगा तो जो मिडिल क्लास है जो आम आदमी है डिमांड कम कर देते हैं, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, तो वाई में जो चेंजेज आ रहे हैं उनको मेजर करना दैट इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इनको सबको लिखने के जो तरीके हैं, अभी फिर सुन लो मेरी बात को बहुत ध्यान से, एक बार बेस क्लियर हो गया तो इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। 11th क्लास में लिमिट एंड डेरिवेटिव आप पढ़ के आए हुए हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इस पूरे को हम कैसे लिखते हैं, डी वाई बाय डी एक्स, या आप इसे लिख सकते हो क्योंकि वाई का मतलब एफ एक्स भी है, तो डी ऑफ एफ एक्स बाय एक्स, या आप इसको डी एफ बाय डी एक्स, और या फिर आप इसको एफ डैश एक्स भी लिख सकते हो। और जैसे जैसे हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो अपनी कन्वीनियंट के लिए हम इसको वाई वन या वाई डैश से भी डिनोट करेंगे, आप देखोगे इसी चैप्टर में आगे।
समझ आ रही है मेरी बात? तो सबसे पहले तो आपने ये समझना है कि भाई मोटी सी बात आपने याद रखनी, क्योंकि पूरे चैप्टर को हमने कवर करना है कि वाई एक्स पे डिपेंड करने लग रहा है और एक्स की वजह से वाई में चेंजेस आ रहे हैं। उन चेंजेस को मेजर करने का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ वाई, क्योंकि वाई एक्स पे डिपेंड कर रहा है ना, वाई डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमारा आ जाएगा। ये सारी की सारी नोटेशन इसके डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करती हैं। ये जो प्रोसेस रहेगा, ये जो मेथड रहेगा, वो मेथड डिफरेंशिएशन कहलाता है, वो मेथड डिफरेंशिएशन कहलाता है। और डिफरेंशिएशन करके जो आंसर आता है वो डेरिवेटिव ऑफ वाई कहलाता है, वो डेरिवेटिव ऑफ वाई कहलाता है। ठीक है, यहां तक तो कुछ आया समझ में आपको? क्लियर, ये सिर्फ आपका बेस है। अब मैं यहाँ एक बात और बता दूं कि अब कुछ स्पेशल टाइप के हमारे फंक्शंस हैं जिनकी डिफरेंशिएशन के हमारे फॉर्मूलाज क्लास 11th में ही आ चुके हैं, उनको हम यहाँ रिवाइज करेंगे। वो सभी फॉर्मूलाज इसी मेथड से आपके निकाले गए हैं, तो उनकी डिटेल अब मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूंगी। इससे पहले मैंने रख कर दिया एक दो बातें और अभी हम पहले लेकर चलेंगे कि इस डेल्टा एक्स की जगह, इस डेल्टा एक्स की जगह उस चेंज को हम एच से भी डिनोट कर सकते हैं। तो जो हमारा एफ डैश एक्स होगा, अब ये यहां से मैं 12th का आपका स्टार्ट कराने जा रही हूं, ये सारी बातें हम क्लास 11th के चैप्टर 13 में पढ़ के आए थे। तो यहां अब हम एफ डैश एक्स का मतलब फिर से वही है, क्या एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स और डिवाइडेड बाई एच वेयर लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू जीरो, ये हमारा डेरिवेटिव ऑफ एफ होगा। वाई डैश बोलो, डी वाई बाई डी एक्स बोलो, एफ डैश एक्स बोलो, सारी बातें मैं आपको बता चुकी हूँ। डेल्टा एक्स को हमने एच से डिनोट कर दिया, चेंज एक्स में चेंज को डेल्टा एक्स लिया था, उसी एक्स में चेंज को एच से ले लिया, बिल्कुल शुरू में मैंने बता दिया था। अब यहाँ एक चीज और आ जाती है, डेरिवेटिव एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। एक्स तो कोई जनरल पॉइंट हो, जनरल हो गया हमारा, कोई भी रियल नंबर हो गया एक्स। तो अब आपको कोई फिक्स पॉइंट दे दिया जाए, 2 पे निकालो इसका चेंज, 3 पे रेट ऑफ चेंज निकालो, 5 पे डिफरेंशिएशन निकालो, तो कोई जनरल पॉइंट हमने सी ले लिया, सी पर हमने डेरिवेटिव निकालना है एफ डैश सी, तो वो क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं, जब यहाँ एक्स की जगह सी लगा दिया तो यहाँ भी सी लगा दो, एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी by h और लिमिट h टेंड्स टू जीरो। क्लियर, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, रियल एंड फाइनाइट है, तो हम इसको बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन f एट द पॉइंट c। क्लियर है, c कोई भी रियल नंबर आपको हो सकता है। लेकिन अब एक बात और यहाँ ध्यान रखनी है कि जब हमने लिमिट पढ़ी थी तो कोई भी लिमिट, कॉन्टिन्यूटी में भी देख चुके हैं हम ये चीज को, कि कोई भी लिमिट जब एग्जिस्ट करती है इसका मतलब वो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करती है। तो कई बार डिफरेंशिएशन में ऐसा कोई फंक्शन आ जाएगा जहां हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव देखना पड़ेगा। सुनो मेरी बात ध्यान से, ये एफ फंक्शन का डेरिवेटिव है लेकिन ये टोटली इस लिमिट पे डिपेंड कर रहा है। लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो ही फंक्शन की डिफरेंशिएशन हो सकती है। अब लिमिट के लिए दो चीजें होती हैं, एक है लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि लिमिट एच टेंड्स टू जीरो माइनस एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बाय एच एग्जिस्ट करनी चाहिए, और दूसरा आपकी राइट हैंड लिमिट, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो प्लस सेम इसके लिए है, अभी तो हम एक पॉइंट पर ही डिस्कस कर रहे हैं, एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बाय एच दोनों एग्जिस्ट करनी चाहिए और दोनों के दोनों आपकी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि ये वाली लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और ये फंक्शन डेरिवेबल है, इसकी डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करती है। ठीक है, ये सब बातें मेन बता रही हूँ क्योंकि आपको बार बार जरूरत पड़ेगी। इस फर्स्ट एक्सरसाइज में थोड़ी बहुत आपको लेफ्ट डेरिवेटिव राइट डेरिवेटिव निकालना पड़ सकता है, तो किसी भी जनरल पॉइंट एक्स पर डिफरेंशिएशन हमारी इससे निकलती है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट सी पर आपको डिफरेंशिएशन निकालनी है बाय फॉर्मूला, तो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल बोल देते हैं, एब इनिशियो मेथड इसको बोल देते हैं, डेल्टा मेथड इसको बोल देते हैं। तो ये आपका मेथड है कि ये लिमिट होनी चाहिए, इसके लिए भी लेफ्ट एंड राइट एंड लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और इसके। अब एक और बात आ जाती है कि ये तो था किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर किसी फंक्शन की डिफरेंशिएशन को चेक करना,
ठीक है। अब पॉइंट के बाद आ जाता है भैया इंटरवल। अगर हम किसी क्लोज्ड इंटरवल ए बी की बात करें और उस क्लोज्ड इंटरवल में फंक्शन को डेरिवेबल चेक करना हो, तो इसके हर पॉइंट पर फंक्शन में डिफरेंशिएबल होना जरूरी है एट ईच पॉइंट। और ए पे राइट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए, नहीं ए पे भी तो क्लोज है हमारा, ठीक है, ए पे राइट डेरिवेटिव बिल्कुल सही, ए पर राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए कॉन्टिन्यूटी की तरह, और बी पर हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। लेकिन अगर मैं ओपन इंटरवल की बात करती हूं, तो ओपन इंटरवल में इस इंटरवल के जो ए और बी तो है ही नहीं, इसके अंदर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो ए और बी को छोड़कर बीच के जितने भी पॉइंट है उन सभी पॉइंट्स पर अगर फंक्शन डेरिवेबल है तो फंक्शन हमारा उसको हम बोलेंगे कि मतलब डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट कर रहे तो हम बोलेंगे कि फंक्शन डेरिवेबल है। आई यहां तक कोई कहानी समझ में कि नहीं आई है? फिर से बहुत क्विक रिवीजन में आपको जल्दी से करा देती हूँ। वाई एक फंक्शन है एक्स का, एक्स में चेंज होने से वाई में चेंज आ रहा है, उस चेंज को मेजर करने का जो प्रोसेस है वो कहलाता है डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोलते हैं, क्योंकि वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है, उसको डेरिवेटिव ऑफ वाई भी आप बोल सकते हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है भाई। और उन सबके लिए नोटेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी, प्रोसेस बता दिया था, लास्ट में बस मैंने क्या किया कि डेल्टा एक्स को एक्स से चेंज कर दिया, कि चेंज इन द वैल्यू ऑफ रेंज डिवाइडेड बाय चेंज इन द डोमेन, और वो जो चेंज है वो बिल्कुल धीरे धीरे जीरो की तरफ जा रहा है, तो वो जो लिमिटिंग केस है वो हमारा डेरिवेटिव ऑफ एफ कहलाता है, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन एफ कहलाता है, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई कहलाता है। फिर उसको हमने चेक किया एक पर्टिकुलर पॉइंट सी पर, तो एक्स की जगह सी लगा देंगे हम, आ गया। इसका भी एक और आगे देखा हमने, इसको और थोड़ा एक्सप्लेन किया, एलिबरेट किया कि भाई लिमिट जब एग्जिस्ट करती है जब लेफ्ट और राइट दोनों एग्जिस्ट करें, ठीक है, तो लेफ्ट और राइट दोनों एग्जिस्ट करनी चाहिए, दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। अब बात आ जाती है इंटरवल्स की, क्लोज इंटरवल में डेरिवेबल चेक करना है तो बीच के हर पॉइंट पर होना चाहिए, लेफ्ट वाले पे राइट डेरिवेटिव, राइट वाले पे लेफ्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। और जब मैं ओपन इंटरवल की बात करती हूँ तो ये दो पॉइंट एग्जिस्ट कर ही नहीं रहे, तो इनके बीच के हर पॉइंट पर फंक्शन डेरिवेबल होना चाहिए। ये एक मेन इंट्रोडक्शन है। अब हम देखेंगे कुछ इनकी प्रॉपर्टीज हैं डिफरेंशिएशन की और फॉर्मूला जो हम क्लास 11th में ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर उससे आगे बढ़ेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा एलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स। एलजेब्रा का मतलब बेसिकली तो प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिविजन ही होता है, तो डेरिवेटिव्स में क्या होगा वो एलजेब्रा उसको डिस्कस करते हैं। तो यहां मैं आपको एक बात बता दूं कि दो फंक्शन हैं तो उनको एफ और जी, एफ एक्स और जी एक्स से भी हम डिनोट कर सकते हैं, उसके बजाय हम आइडेंटिटीज की को इजी वे में समझने के लिए जनरली यू और वी से डिनोट करते हैं। तो यू और वी को आपने समझ के चलना है कि यू इज ऑल्सो अ फंक्शन इन एक्स एंड वी is also a function in x। अब पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हम देखो मैं आपको ये बता चुकी हूं कि किसी भी फंक्शन y की डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसको dy by dx लिखेंगे, लेकिन अपनी कन्वीनियंट के लिए हम उसको y डैश भी लिख सकते हैं और y1 भी, तो हम आइडेंटिटीज में y डैश u डैश v डैश तक डिनोट करेंगे। अगर मैं ले रही हूं यहाँ u डैश तो इसका मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, अगर मैं ले रही हूँ v डैश तो इसका मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो दो फंक्शन है u प्लस v और उनकी दोनों की एडिशन की डिफरेंशिएशन करनी है तो बिल्कुल सिंपल है, पहले वाले की भी डिफरेंशिएशन हो जाएगी और दूसरे वाले की भी। इसको मैं ऐसे भी बता देती हूँ कि d by dx डिफरेंशिएशन कर रहे हैं u plus v की, तो अलग अलग कर सकते हैं हम, पहले फंक्शन की भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं और दूसरे की भी, और इस रिजल्ट को जनरलाइज भी कर सकते हैं कि दो की जगह तीन टर्म्स हो, चार टर्म्स हो, पांच टर्म्स हो, दस टर्म्स हो, तो ऐसे ही डिफरेंशिएशन सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस है तो माइनस आ जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। तो जो मतलब जो जिस ऑर्डर में ये हैं, दो फंक्शंस ऐड हो रहे हैं सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो वो जो डिफरेंशिएशन हम करेंगे वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी सभी के ऊपर बारी बारी से। दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो प्रोडक्ट रूल होता है, मल्टीप्लीकेशन रूल होता है, कि अगर यू इंटू वी की डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं,
दो फंक्शंस की प्रोडक्ट की डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो उसका रूल क्या होता है कि फर्स्ट फंक्शन एडिटिव और उसकी मल्टीप्लीकेशन में सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एडिटिव और उसकी प्रोडक्ट में फर्स्ट का डेरिवेटिव, मतलब दो फंक्शन की प्रोडक्ट है यू और वी की और उनकी हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो फर्स्ट एडिटिव सेकंड का डेरिवेटिव ले लीजिए और प्लस सेकंड एडिटिव फर्स्ट का डेरिवेटिव आप ले लीजिए। क्लियर है, समझ आ रहा है? दोनों तरीके से मैं यहाँ साथ साथ आपको लिख रही हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। कोई भी डाउट है मुझे जरूर बताना है कमेंट सेक्शन में। आपने यू बाय वी का डेरिवेटिव ले रहे हैं तो इसकी आइडेंटिटी और भी अलग है। डिनोमिनेटर स्क्वेयर, डिनोमिनेटर एडिटिव, वी एडिटिव यू का डेरिवेटिव माइनस यू एडिटिव वी का डेरिवेटिव। इसको यहां ले लो इस तरीके से डी बाय डी एक्स ऑफ यू बाय वी, तो ये हो जाएगा यू वी होल स्क्वेयर, वी एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ यू माइनस यू एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ वी। तीन के भी चार है, मैंने तीन ही लिखे क्योंकि प्लस माइनस मैंने इकट्ठा कर दिया है। तो ये तीन मेन प्रॉपर्टीज हैं अभी फिलहाल डिफरेंशिएशन की जो हमने क्लास 11th में देखी थी, जो आपको समझ आनी चाहिए। शॉर्ट तरीके से जितना जल्दी समझ लोगे आपके लिए अच्छा रहेगा, तो 2 मिनट के लिए आप पॉज करके इसको नोट कर सकते हो। अब मैं आपको आइडेंटिटीज, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला जो हम अपनी क्लास 11th में कर चुके हैं वो बताने जा रही हूँ। उनके प्रूफ अब मैं आपको नहीं दूंगी क्योंकि वो क्लास 11th में आ जाते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल से हमारे वहां पर हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले एलजेब्रिक फंक्शन अगर कोई हमारे पास है, पॉलीनोमियल फंक्शन हमारे पास अगर कोई है, तो उस टाइप के फंक्शन की डिफरेंशिएशन अगर हम देखें कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेस टू पावर एन, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेस टू पावर एन, क्लियर है, समझ आ रही मेरी बात? तो इस तरह के फंक्शन की जो डिफरेंशिएशन होगी वो क्या होगी, एन इंटू एक्स रेस टू पावर एन माइनस वन। यहाँ एन पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये थोड़ा सा यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, ये अब मेरी बात सुनो, कुछ बच्चों को तो बहुत आसानी समझ आ जाता है। ये x की पावर n है, इसको मैं ऐसे लिखूंगी y इज इक्वल टू एक्स की पावर n। अब आपको बोल देंगे डिफरेंशिएट करो, तो आप लिखोगे डिफरेंशिएटिंग, बहुत आराम से बड़े प्यार से मैं ये चैप्टर आपको कराऊंगी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएटिंग जब ये शब्द मैंने लिख दिया डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो मैंने डी बाई डी एक्स अप्लाई कर दिया। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स किसका, वाई का, लेफ्ट में भी लगा दिया, और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स किसका, एक्स पावर एन का, ये तो बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये तो बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और इस पे हमारा फॉर्मूला लग जाएगा एन एक्स इज टू पावर एन माइनस वन। वेरी सिंपल, अगर एन की जगह आपके पास कोई कॉन्स्टेंट होता, मान लो 10 होता, तो आप यहाँ क्या करते, 10 और फिर ये हो जाता है 10 x रेस टू पावर 10 माइनस 1 यानी 9। अगर यहाँ x के प्लेस पर माइनस 5 होता, मैंने बोल दिया कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है माइनस 5, तो माइनस 5 आगे आ जाता और x की पावर माइनस 5 माइनस 1 यानी कि कितनी हो जाती, माइनस 6 हो जाती। इस पावर को पॉजिटिव करने के लिए आप इसको डिनोमिनेटर में ले जा सकते थे। साथ साथ मैंने आपको इसकी एक एप्लीकेशन यहाँ बताने की कोशिश की है, इसकी एक तो एप्लीकेशन और बताती हूँ मैं साथ साथ। देखो जरा, आपको एक फंक्शन ये दे दिया, डिफरेंशिएट एक्स फाइव प्लस एक्स फोर प्लस एक्स रेस टू पावर माइनस टू, इसके डिफरेंशिएशन करो, तो आपने कुछ नहीं करना, तीनों की अलग अलग डिफरेंशिएशन कर देनी है। फर्स्ट की भी हम अलग अलग नहीं करेंगे, मतलब असली तरीका तो ये है, ये तो क्लास 11th में आप कर चुके हो भैया, ये है, फिर ये तरीका है आपका वहां पर, इसको अलग अलग करो, ये बनेगा 5x की पावर 4, ये बनेगा 4x की पावर 3 और माइनस 2x की पावर माइनस 3। समझ में आ रही मेरी बात? बीच में माइनस का साइन होता तो माइनस लग जाता, तो ये इसकी हमारी एक एप्लीकेशन थी। अब यहां एक बात और ध्यान आपने रखनी है कि अगर केवल x हो, बहुत ध्यान से देखना,
केवल x का मतलब है x की पावर 1, फॉर्मूला तो यही लगेगा, 1 आगे आ जाएगा, x की पावर 1 कम हो जाएगी जो कि 0 बन जाएगी, और किसी भी रियल नंबर की पावर 0 1 होती है, तो x का डेरिवेटिव डायरेक्ट 1 आ जाता है। सुन लो मेरी बात ध्यान से, x का डेरिवेटिव 1 आ जाता है। और अब मैं 1 की बात करूं या किसी भी कांस्टेंट की बात करूं, कोई कांस्टेंट ले लिया मैंने, k ले लिया, अब k के साथ x तो है ही नहीं, k के साथ x तो है नहीं, मेरी बात को सुन लेना ध्यान से, k को मैं k into 1 लिख दूं, इसको मैं k into x की पावर, एक प्रॉपर्टी रह गई भाई यहाँ पर, अभी याद आई मुझे, एक प्रॉपर्टी और रह जाती है, कहीं आएंगी बीच बीच में। ये देखो, अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है किसी फंक्शन से और हमने डिफरेंशिएशन करनी है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और फंक्शन की डिफरेंशिएशन हो जाएगी। सुन रहे हो मेरी बात को, कि भाई डिफरेंशिएशन ऑफ के यू हमने करना है, तो के बाहर आ जाएगा और यू का डेरिवेटिव हो जाएगा। तो मैं यहाँ के की डिफरेंशिएशन करने जा रही हूँ, तो के को मैं के इंटू वन लिख सकती हूँ, और के इंटू वन को मैं एक्स की पावर 0 ऐसे लिख सकती हूँ, तो के तो मेरा बाहर आ गया, और मैंने डिफरेंशिएशन किसकी कर दी, एक्स की पावर 0 की। अब एक्स की पावर 0 की डिफरेंशिएशन जब आप इस तरीके से करोगे, तो पावर आगे और x की पावर में से एक कम, अब 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो इसकी जो डिफरेंशिएशन कांस्टेंट की आएगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। समझ गए मेरी बात को आप सब, कि भी 1 की डिफरेंशिएशन कह लो 0 है, या किसी भी कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 है। तो ये 2-3 जो फॉर्मूला है ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। अब हम लेते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, 2-4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बता देती हूँ, और जो बीच में आते जाएंगे फॉर्मूला वो मैं आपको बताती जाऊंगी। तो हमने अपना क्लास 11th में ही देख लिया था कि साइन एक्स की डिफरेंशिएशन हो जाएगी कॉस एक्स, ये बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला चल रहे हैं, अभी हमारा चेन रूल आएगा, कॉस एक्स की हो जाएगी माइनस साइन एक्स, ठीक है भाई। और चलते हैं टेंजेंट एक्स, टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है बेटा जी सीकेंट स्क्वायर एक्स। अब मैं यहां से थोड़ा सा रब करूंगी, इनको आप नोट कर लेना, इसको टेंजेंट हो गया, कॉटेंजेंट ले। देखो अब आप एक बात पे ध्यान देना कि कॉस का डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, और अब मैं कॉटेंजेंट का लूंगी ना तो वो भी नेगेटिव आएगा। कॉटेंजेंट का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स, सीकेंट एक्स का जो डेरिवेटिव आएगा वो होगा सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, और लास्ट हमारा क्या बच जाता है, कॉसिकेंट एक्स, कॉसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस कॉसिकेंट एक्स इंटू कॉटेंजेंट एक्स। तो ये आप इनको नोट कर लीजिए, फर्स्ट एक्सरसाइज जो है हमारी वो केवल इन्हीं पर लगभग हमारी बेस्ड रहने वाली है, तो बाकी जो आएंगे उनको हम आगे लेके चलेंगे। और एक फॉर्मूला और इसी से रिलेटेड मैं यहाँ पर लेकर आना चाहूंगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि केवल x की पावर n से काम थोड़ी चलेगा, कोई लीनियर फंक्शन आ जाए बीच में, हाँ उसका प्रूफ मैं दूंगी बाद में, कि ax प्लस बी की पावर n हो जाए, ax प्लस बी की पावर n, ये तो केवल x की पावर n था ना, यहाँ से साफ कर देते हैं थोड़ा अच्छे से पूरी जगह में इसको करते हैं, कि डिफरेंशिएशन ऑफ ax प्लस बी की पावर n, कोई लीनियर फंक्शन की पावर n है, पावर आगे, पूरे लीनियर फंक्शन की पावर एक कम, और इस लीनियर फंक्शन को एक बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, ये चेन रूल है, अभी आएगा तब मैं बताऊंगी, बस मुझे याद आ गए कि पहले आपको फॉर्मूला एक बार बता ही देती हूँ, दोबारा फिर बता दूंगी मैं। तो जब हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे दोनों टर्म्स की, या इसको नहीं छेड़ना, इस पे कोई डिफरेंशिएशन का साइन नहीं है, ये तो यूं का यूं आ गया, इसके आगे डिफरेंशिएशन का साइन है तो इसको छेड़ेंगे, ए तो एज इट इज, और एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, बी कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ए को 1 से मल्टीप्लाई करोगे ए प्लस 0 ए आ जाएगा, तो ये ए आगे आ जाएगा एन इंटू ए इंटू ए एक्स प्लस बी पावर एन माइनस, ये हमारा डेरिवेटिव आ जाएगा। ये कुछ सिलेक्टेड डेरिवेटिव मैंने अभी आपको बताए हैं, अब हमारी पहले एक थ्योरम है उसको देखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। अभी एक छोटी सी थ्योरम है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं नहीं कहूंगी, नहीं आती एग्जाम में, बट वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कहता है ये, कि इफ अ फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट सी, कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, देन इट इज कंटीन्यूअस एट दैट पॉइंट।
अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो वो उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस भी होगा, तुम ये प्रूव करो। आपको उसने कह दिया कि डिफरेंशिएबल है, आप ये प्रूव करो कि वो कॉन्टिन्यूस है। अब पॉइंट है सी, सी पॉइंट पे कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होगा, जब सी पॉइंट पर उस फंक्शन की लिमिट और सी पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू बराबर हो जाएगी तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। मतलब ये हमारा टारगेट है शो का, ठीक है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ये कह रहा है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है सी पे, तो डिफरेंशिएबल का मतलब देखो एफ डैश सी मैंने आपको बताया था लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बाय सी प्लस एच माइनस सी, सी से सी कट जाएगा एच आ जाएगा। एक डेफिनेशन ये दी थी मैंने आपको, लेकिन एक डेफिनेशन और आ जाती है हमारी कि हम इसको सी प्लस एच की जगह एक्स कर दें, तो जनरल थ्री पॉइंट ही तो है हमारा, तो इसको मैं यहाँ एक्स कर दूं तो ये सी प्लस एच भी मेरा क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। देख लो ध्यान से कि मैं क्या लिख रही हूं कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी बाय एक्स माइनस सी, ये मेरी सी पर लिमिट वो है डेरिवेटिव है जो कि एग्जिस्ट कर रहा है। बुक वाला कह रहा है कि ये लिमिट आपकी भैया एग्जिस्ट कर रही है लिमिट एक्स टेंड्स टू सी। समझ में आ रही है बात, एक्स टेंड्स टू सी का मतलब क्या है भाई, अभी मैंने आपको क्या बताया एक्स को मैंने सी प्लस एच से बदला है और हम ले रहे थे क्या एच टेंड्स टू जीरो, तो यहां जब मैं एक्स टेंड्स टू सी ले रही हूं तो एक्स का मतलब है सी प्लस एच टेंड्स टू सी, सी दोनों तरफ माइनस कर दो तो एच टेंड्स टू जीरो ही तो आ गया, यहां भी सी घटा दिया और यहां भी सी घटा दिया तो एच टेंड्स टू जीरो ही तो आ गया, तो वही बात आ गई। अब क्या करना है बड़े ध्यान से देखेंगे, हमने मान लिया कि x और c बराबर नहीं है तो एक एक्सप्रेशन ले लो, ये ले लो एफ एक्स माइनस एफ सी ले लिया, बहुत ध्यान से समझना। इसको क्या करो, इस एक्सप्रेशन को x माइनस सी से मल्टीप्लाई कर दो और x माइनस सी से डिवाइड कर, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों तरफ लिमिट ले लो, लिमिट x टेंड्स टू c दोनों तरफ, थोड़ा सा मैं इसी में कर रही हूं इसको क्योंकि इतना वो नहीं है मुश्किल कि आपको समझ में ना आए। दोनों तरफ लिमिट ले लो x टेंड्स टू c और लिमिट को सेपरेट कर दो, लिमिट अब सीख चुके हैं कॉन्टिन्यूटी में भी मैं बहुत अच्छे से आपको लिमिट समझा चुकी हूँ, तो पहले लिमिट इस पे लूंगी मैं लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स, फिर मैं यहां लूंगी लिमिट x टेंड्स टू c एफ सी, फिर मैं लिमिट को इस फर्स्ट पे लूंगी लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स माइनस एफ सी बाय एक्स माइनस सी, और फिर मैं लिमिट को यहां भी लूंगी, लिमिट को सेपरेट कर सकते हैं। आगे बात समझ में, तो ये तो एज इट इज रह गया लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स, यहाँ लिमिट रखने की कोई गुंजाइश ही नहीं है तो ये तो एफ सी ही रह जाएगा। ये जो एक्सप्रेशन है अभी अभी मैंने बताया किसके बराबर है, ये बराबर है एफ डैश सी के, और जब तुम यहाँ लिमिट सी रखोगे तो सी माइनस सी ये हो गया जीरो, तो ये पूरी की पूरी प्रोडक्ट क्या बन गई जीरो। ध्यान देना जो लेफ्ट साइड है वो इक्वल टू जीरो आ गई, तो मैं इस एफ सी को उठाकर उस तरफ ले जाऊं तो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स किसके बराबर आ गया एफ सी के, और वो रिजल्ट मैंने पहले ही वहां ब्लॉक में कर रखा है कि इस फंक्शन की सी पर लिमिट और इस फंक्शन की सी पर वैल्यू अगर बराबर आती है तो हम कहते हैं कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट सी। तो डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन को लेकर हमने इस फंक्शन को कॉन्टिन्यूस दिखाया, क्या रिजल्ट आया कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, लेकिन इसका कन्वर्स कभी भी ट्रू नहीं होता है। अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो ये गारंटी नहीं है कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होगा, ठीक है। सुन लो मेरी बात ध्यान से, अभी एक हम ले लेते हैं मॉडुलस फंक्शन ले लेते हैं, ठीक है। हमने ले लिया एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, मॉड एक्स की डेफिनेशन क्या होती है, एक्स अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है और माइनस एक्स अगर एक्स हमारा लेस देन जीरो है, और ये फंक्शन हमारा क्या होता है कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है, लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी अपना ये 5.1 के एग्जाम्पल में ही हमारा ये क्वेश्चन आ जाता है, वहां हमने इसको सॉल्व भी किया हुआ है तो आप वहां से इसको देख सकते हो, इट इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। लेकिन जब मैं इसकी उसकी बात करती हूँ डेरिवेटिव की, ठीक है, जीरो पॉइंट पर हम इसके डेरिवेटिव की बात करते हैं
तो मैं ले लेती हूँ इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लिमिट क्या बताई थी मैंने, एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बाय एच और एच टेंड्स टू जीरो माइनस, ठीक है, जीरो पे चेक करते हैं। तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो माइनस, ये हो गया एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो और बाय एच। ध्यान देना मेरी बात पर, जीरो प्लस एच का मतलब हो गया यहां पर एफ ऑफ एच, एच टेंड्स टू जीरो माइनस यानी कि एच लेस देन जीरो है, एच लेस देन जीरो तो फंक्शन क्या बनेगा, माइनस एच बनेगा। बहुत ध्यान से देखना, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो ये बनेगा माइनस एच, जीरो पे वैल्यू जीरो आएगी डिवाइडेड बाय एच, इसको हटा दो, अभी लिमिट रखने की जगह ही नहीं है, पहले तो ये कट करेंगे तो ये माइनस वन आ जाएगा, लिमिट रखनी ही नहीं पड़ेगी। इसी तरह जब आप राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे, मैं यहीं पर इसको करा रही हूं, तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो प्लस आ जाएगा, ठीक है, सुन लो मेरी बात ध्यान से, तो जीरो प्लस एच आएगा, एच टेंड्स टू जीरो प्लस यानी एच जीरो से ग्रेटर है तो फंक्शन की वैल्यू प्लस एच आएगी, प्लस एच बाय एच करोगे तो प्लस वन आएगा, तो आपका जो राइट हैंड डेरिवेटिव है वो प्लस वन आ रहा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो माइनस वन आ रहा है, दोनों इक्वल नहीं है, तो एट एक्स इज इक्वल टू जीरो ये जो फंक्शन है वो फंक्शन ये हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है, जबकि ये एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो ये रिजल्ट आपने ध्यान रखना है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, बट एवरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन नीड नॉट बी डिफरेंशिएबल, जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल। समझ आया यहां तक? अगला टॉपिक मैं सोच रही हूँ कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊं, अगला टॉपिक हमारा होगा कंपोजिट फंक्शन और चेन रूल के बारे में, तो थोड़ा आराम से करेंगे, एक एग्जांपल है तो एक्सरसाइज को उसी में मैं साथ में कवर कर लूंगी, तब तक आप बड़े आराम से बड़े प्यार से इसको समझें, कोई भी डाउट है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ, टेलीग्राम पे आप डिस्कस कर सकते हो, व्हाट्सएप पे कर सकते हो, और लेक्चर हेल्पफुल लगते हैं तो शेयर भी कर सकते हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें, अगले लेक्चर में मिलते हैं 5.2 के लिए। Thank you.